दोस्तों आज मैं ट्रेमर्स 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने इसके पिछले दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। ट्रेमर्स 3 मूवी की शुरुआत अर्जेंटीना से होती है, जहां बर्ट को सीकर हंटिंग के लिए बुलाया गया है और ये सीकर वही क्रिएचर है जो ग्रेबॉइड के चेंज होने से बने थे। यहाँ पर कुछ न्यूज वाले भी आए होते हैं जिनसे बर्ट कार के इंजन को हीट करने के लिए बोलता है, यानी कि गर्म करने के लिए बोलता है, क्योंकि श्रीकर हीट सेंस करते ही यहाँ आने लगेंगे। इसके कुछ ही समय बाद श्रीकर का झुंड इनकी तरफ आने लगता है। इसे देख न्यूज वाले डर जाते हैं, लेकिन बर्ट मशीन गन से भी श्रीकर को मार गिराता है। फिर अगले दिन बर्ट अपने होम टाउन परफेक्शन वैली लौट आता है और ये वही जगह है जहाँ से ग्रेबॉइड की पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब यहाँ पर एक रियल एस्टेट कंपनी भी आ गई थी, लेकिन बर्ट को ये पसंद नहीं आता। तभी उसकी मुलाकात मिगेल से हो जाती है। उसने बर्ट के घर पर सीमेंट वाला ट्रक देखा था, इसीलिए वो बर्ट से इस बारे में पूछता है। फिर बर्ट बताता कि वो अपने घर के चारों तरफ अंडरग्राउंड ग्रेबॉइड बैरियर बना रहा है, लेकिन मिगेल इसे जरूरी नहीं समझता क्योंकि यहाँ पिछले 11 साल से कोई ग्रेबॉइड नहीं दिखा है। इसके बाद बर्ट यहाँ के स्टोर में जाता है जिससे वो जोड़ी चला रही है। तभी जोड़ी की नजर बर्ट के शानदार घड़ी पर जाती है। फिर बर्ट बताता है कि उसकी घड़ी में अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो कुछ टूरिस्ट को ग्रेबॉइड दिखाने के एडवेंचर पर ले गया है। तभी अचानक से उनके पीछे धूल उड़ने लगती है। ये देख सभी टूरिस्ट डर जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ ग्रेबॉइड आ रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब फेक है और बफर्ड वहाँ स्मोक छोड़ रहा है जो जैक के साथ टूरिस्ट को डराने का काम करता है और जैक किस तरह यहाँ अपना बिजनेस चलाता है। इसके बाद बर्ट के घर को दिखाया जाता है जहाँ बर्ट ने अपने घर के चारों तरफ अंडरग्राउंड ग्रेबॉइड बैरियर तैयार कर लिया है और साथ में जियोलाइट सैटेलाइट सिस्टम भी इंस्टॉल किया है, इसकी मदद से वो ग्रेबॉइड पर नजर रखता है। अब जैक टूरिस्ट के दूसरे ग्रुप को एडवेंचर के लिए ले जाने वाला था, इसीलिए वो बुफर्ड को अपने काम पर जाने के लिए कहता है, लेकिन आज बुफर्ड मिंडी को भी अपने साथ ले जाता है। फिर जैक जैसे ही टूरिस्ट को लेकर आता है, बुफर्ड झाड़ियों के पीछे स्मोक छोड़ने लगता है और ये देख सभी टूरिस्ट डरने लगते हैं। फिर मिंडी बुफर्ड के साथ बातें करने लगती है, इसके दौरान बुफर्ड एक प्लास्टिक पर अपना चाकू मार रहा होता है। तभी उसकी आवाज से वहाँ एक ग्रेबॉइड आ जाता है और बुफर्ड को निगल जाता है। ये देख जैक बुफर्ड को बचाने जाता है, लेकिन फिर ग्रेबॉइड उसके टूरिस्ट ग्रुप के पास आ जाता है। तभी मिंडी वहाँ आ जाती है और जैक से एक जगह पर खड़ा हो जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पता है कि ग्रेबॉइड आवाज को सेंस कर लेते हैं। तभी ग्रेबॉइड जैक के पास आ जाता है। तभी मिंडी इशारे से उसे कोई चीज दूर फेंकने के लिए कहती है। फिर जैक जैसे ही चाबी को फेंकता है, ग्रेबॉइड उस तरफ चला जाता है। इसके बाद मिंडी और जैक तुरंत पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर ग्रेबॉइड उनके पीछे वहाँ आ जाता है। तभी मिंडी सबको अपना प्लान समझाती है। फिर सभी लोग कोल्ड ड्रिंक्स बोतल लेकर दूर फेंकते हैं, इसकी आवाज से ग्रेबॉइड उस तरफ चला जाता है और जैक सभी को अपने ट्रक में लेकर वापस आ जाता है। फिर उसी समय बर्ट को ग्रेबॉइड के हलचल के बारे में पता चल जाता है और वो सायरन से सभी को अलर्ट कर देता है। इसके बाद नैन्सी और जोडी तुरंत स्टोर के रूफ टॉप पर चले जाते हैं। कुछ देर में बर्ट और जैक भी सबके साथ यहाँ आ जाता है। तभी बर्ट के पास मिगेल का कॉल आता है और बर्ट तुरंत उसे यहाँ पहुँचने के लिए कहता है। अब रात में बर्ट सभी से ग्रेबॉइड को मारने के लिए अपना प्लान बताने लगता है, जबकि नैन्सी यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई हेल्प बुलाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस या आर्मी ही उनकी मदद कर सकती है। लेकिन बर्ट जानता है कि यहाँ कोई हेल्प नहीं आने वाली, इसीलिए इनको खुद ही इस मुसीबत से निपटना होगा। अगले दिन बर्ट और सभी लोग हंटिंग के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से गवर्नमेंट एजेंट फ्रैंक और रस्क इनको रोक लेते हैं, जिनके साथ में एंड्रयू नाम का एक प्रोफेसर भी होता है। फ्रैंक बर्ट को ग्रेबॉइड को मारने से रोक देता है क्योंकि ग्रेबॉइड अर्थ की एक रेयर स्पीसीज है और ऐसी स्पीसीज को मारना अलाउड नहीं है। फिर इनको पता चलता है कि ये लोग अपनी रिसर्च के लिए एक जिंदा ग्रेबॉइड पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए इनको ये जगह छोड़कर जाना होगा। अब हमें पता चलता है कि नैन्सी ने ही हेल्प के लिए इन ऑफिसर को बुलाया था, लेकिन अब वो भी पछताने लगती है। रात को बर्ट अपने बेसमेंट में गन शूट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी बर्ट को पता चलता है कि एक ग्रेबॉइड यहाँ आया है। इसके बाद बर्ट एक पावरफुल गन लेकर बाहर आता है और ग्रेबॉइड के अटैक का इंतजार करने लगता है, लेकिन अंडरग्राउंड बैरियर की वजह से ग्रेबॉइड आगे नहीं जा सकता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दोनों एजेंट स्टोर पर बियर पीने आते हैं। तब जैक उनसे बात करता है और एक जिंदा ग्रेबॉइड पकड़कर देने के बदले में यहाँ से जाने के लिए मना लेता है, लेकिन बर्ट को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि ग्रेबॉइड समय के साथ स्मार्ट होते जाते हैं। फिर भी कुछ समय सोचने के बाद बर्ट इसके लिए तैयार हो ही जाता है और जैक को अपने साथ लेकर चला जाता है।
तभी वहां पर एंड्रयू आता है और वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। फिर वो सभी को एक अंडे का सेल दिखाता है और बताता है कि कार्बन डेटिंग टेस्ट के अनुसार ये 300 साल पुराना है, इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रेवॉइड ऐसे ही अंडे से बाहर आए होंगे। दूसरी तरफ बर्ड साउंड क्रिएट करने के लिए ट्रक के पीछे चैन और कुछ टीन बांध रहा होता है। तभी उससे मिलने वहाँ मेलविन आ जाता है, जो यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने वाला है और वो उससे उसकी जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन बर्ड इसके लिए तैयार नहीं होता। तभी इनको मॉनिटर पर दिखाई देता है कि एक ग्रेवॉइड इनकी तरफ आ रहा है। उसी समय मेलविन के पास कोई चीज रिंग होने लगती है और जल्दबाजी में वो उसे बर्ड के पास फेंक देता है। इसके बाद ग्रेवॉइड वहाँ अटैक कर देता है और जैक के सामने ही बर्ड को निकल जाता है। अब जैक कुछ नहीं कर पाता और ग्रेवॉइड बर्ड को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी बर्ड जैक से कॉन्टेक्ट करता है और पता चलता है कि वो ग्रेवॉइड के अंदर अभी जिंदा है। बर्ट जैक से ग्रेवॉइड को अट्रैक्ट करके उसे अपने पीछे फ्रंट गेट तक ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद जैक ऐसा ही करता है और ग्रेवॉइड जब उसका पीछा करने लगता है वो तुरंत फ्रंट गेट को तोड़कर अंदर चला आता है, लेकिन अंदर ग्राउंड बैरियर से टकराकर ग्रेवॉइड वहीं पर मर जाता है। अब जैक बर्ट से कॉन्टेक्ट करता है लेकिन बर्ट उसे रिप्लाई नहीं करता। इस बात से जैक घबरा जाता है, वो तुरंत वहाँ की मिट्टी हटाता है और चैन से ग्रेवॉइड के ऊपरी हिस्से को काटने लगता है। तभी जोडी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद जैक ग्रेवॉइड का स्किन हटाता है और बर्ड उसके अंदर से बाहर आ जाता है। उसकी हालत देख जोडी और जैक दोनों हैरान होते हैं। इसके कुछ समय बाद बर्ट, मिगेल, जैक और जोडी ट्रक में होती है। इसके दौरान बर्ट मॉनिटर पर एक ग्रेवॉइड को देखता है जो इनके रेडियो रेंज से बाहर चला जाता है। तब जैक बताता है कि सरकारी एजेंट और प्रोफेसर उसका पीछा कर रहे थे। तभी जोडी प्रोफेसर को देखती है जिसकी कंडीशन बहुत खराब लग रही थी। फिर चारों तुरंत उसके पास जाते हैं और उसकी हालत के बारे में पूछने लगते हैं। तब प्रोफेसर बताता है कि हमने एक मरे हुए ग्रेवॉइड को देखा, फिर हम जैसे ही उसके पास गए उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद मैं तुरंत गाड़ी में छिप गया, लेकिन उन्होंने दोनों एजेंट को बुरी तरह मार डाला। प्रोफेसर आगे बताता है कि वो बॉडी हीट को सेंस करके अटैक कर रहे हैं। इसके बाद वो आगे भी कुछ बताने वाला होता है लेकिन जख्मी होने से वहीं गिरकर मर जाता है। फिर बर्ड तुरंत नैन्सी और मिंडी से कॉन्टेक्ट करता है और उन्हें इस बारे में बताकर कहीं छुप जाने के लिए कहता है। इसके बाद बर्ड इंफ्रारेड सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करता है और उसकी मदद से इन्हें श्रीकर की लोकेशन पता चल जाती है। फिर ये लोग उस लोकेशन के नजदीक जाते हैं और वहाँ से दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। तब पता चलता है कि श्रीकर अब 7 से बढ़कर 8 हो गए हैं। असल में जब कोई श्रीकर अच्छा खासा खाना खा लेता है तब उसके अंदर से एक और श्रीकर बाहर आ जाता है। सब इस बारे में ही बात करने लगते हैं। तभी एक ग्रेवॉइड जैक के ट्रक पर अटैक कर देता है। ये देख सभी तुरंत एक नजदीक के पत्थर पर चढ़ जाते हैं। अब इनके पास ग्रेवॉइड से बचने का कोई आइडिया नहीं होता, इसीलिए चारों वहीं पर रेस्ट करने लगते हैं। जैक ऐसी सिचुएशन में भी इंजॉय कर रहा था, इसीलिए जोडी कंफ्यूज होकर जैक से इसकी वजह पूछती है। तब जैक कहता है कि मैं हमेशा खुद को एंजॉय करता हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। इस पर जोडी कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस समय यहाँ जो ग्रेवॉइड था वो बर्ड को परेशान करने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये लोग उसे एलव लैंको कहते हैं। इसके बाद ये लोग यहीं पर रात बिताने लगते हैं और ग्रेवॉइड फिर से बर्ड की तरफ जाता है। इस पर मिगेल कहता है कि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है। अगली सुबह मिगेल को एक आइडिया आता है और बर्ट एक हुक से अपना वॉकी टॉकी अपने पास ले लेता है। इसके बाद वो मिंडी से कॉन्टेक्ट करता है और उसे कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। फिर मिंडी जैसे ही सॉन्ग बजाने लगती है बर्ट अपना वॉकी टॉकी दूर फेंक देता है और ग्रेवॉइड जब उस तरफ चला जाता है बर्ट गाड़ी से सभी हथियार निकाल लेता है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से छोड़ देता है। इसके बाद ग्रेवॉइड फिर गाड़ी के पीछे चला जाता है। इसके बाद ये चारों श्रीकर वाली लोकेशन की तरफ जाते हैं और बर्ट वहाँ पर एक पाइप बम फेंकता है। इसमें मरने वाले श्रीकर का स्किन बहुत अजीब होता है। इसके बाद ये लोग बर्ड की कार की कंडीशन को देखने जाते हैं। वहाँ फेंस के पीछे जोडी को कुछ नजर आता है और फिर इनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जो दिखने में श्रीकर से बहुत अलग होता है, लेकिन इसके पास भी श्रीकर जैसा ही हीट सेंसर होता है। बर्ड को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि ये क्रिएचर श्रीकर का बदला हुआ रूप है। अब क्रिएचर इनकी बॉडी हीट को देख अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद बर्ड भी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिएचर उड़ने लगता है। इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं होता और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसके बाद बर्ट क्रिएचर को शूट कर देता है, लेकिन क्रिएचर अपने साथ मिगेल को भी नीचे गिरा देता है। अब मिगेल की मौत से सभी दुखी हो जाते हैं और जोडी मिंडी और नैन्सी को उड़ने वाले श्रीकर के बारे में बताने जाती है, लेकिन उसी समय क्रिएचर उन दोनों पर अटैक कर देता है और दोनों फिर स्टोर के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं।
लेकिन अब क्रिएचर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी मिंडी को एक आइडिया आता है और वो मीट को गर्म करके उसके सामने फेंक देती है। इसके बाद क्रिएचर मीट खाने लगता है और दोनों एक सेफ जगह पर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ बर्ट मरे हुए क्रिएचर के अंदर ग्रेवॉइड का अंडा देखता है और समझ जाता है कि ये क्रिएचर श्रीकर का ही बदला हुआ रूप है। तभी उसके अंदर से निकलने वाली एक लिक्विड तुरंत ही आग पकड़ लेती है। इसे देख के लोग समझ जाते हैं कि इन क्रिएचर के अंदर कोई ऐसी चीज है जो ब्लास्ट हो सकती है। अब तीनों यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी जोडी को एक बैड सीट नजर आती है और तीनों उसके नीचे छुपकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके कुछ समय बाद तीनों बर्ट के घर आ जाते हैं, जहाँ बर्ट नैन्सी और मिंडी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। वहीं अब जैक जोडी से बताता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो यहाँ से जाने वाला है। तब जोडी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी अचानक से एक क्रिएचर रूफ को तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद तीनों वहाँ एक बंकर में छुप जाते हैं, लेकिन फिर क्रिएचर अपनी आँख से दरवाजे को पिघलाने लगता है। ये देख बर्ट सीक्रेट टनल से होकर भागने का प्लान बनाता है, लेकिन उस बंकर में बर्ड ने बहुत सारा फूड भी रखा था। इसीलिए इनको लगता है कि श्रीकर के जैसे ये क्रिएचर भी खाने के बाद एक और क्रिएचर को प्रोड्यूस कर देगा, यानी कि पैदा कर देगा। फिर बर्ड तुरंत ही वहाँ पर गैसोलीन गिरा देता है और तीनों टनल से होकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ब्लास्ट होने से बर्ड का घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। तभी बर्ड से नैन्सी कॉन्टेक्ट करती और बताती है कि हमने एक जिंदा क्रिएचर को पकड़ा है जो स्टोर से फूड खाने के बाद कोमा में चला गया था। ये सुनते ही बेचारा बर्ड शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने बेकार में ही अपना सारा कीमती फूड डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी हीट की वजह से यहाँ पर बाकी सारे क्रिएचर आ जाते हैं। ये देख तीनों यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी जैक पास में ही एक बोट देखता है। इसके बाद तीनों उसमें नीले प्लास्टिक के नीचे छुपकर भागने लगते हैं, लेकिन फिर आगे जाने पर इनकी बोट एक बड़े खंभे से टकरा जाती है और उसके ऊपर एक क्रिएचर भी बैठा होता है। अब उस क्रिएचर ने इनको देख लिया था, इसीलिए तीनों जल्दी से जंक यार्ड में आकर छुप जाते हैं, लेकिन क्रिएचर भी इनके पीछे ही खड़ा होता है। तब जैक उसके ऊपर सामान गिराने का प्लान बनाता है। बर्ड को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और फिर दोनों क्रिएचर के ऊपर भारी सामान गिराकर उसे मार देते हैं। लेकिन अब वहाँ घूम रहे चारों क्रिएचर इनको देख लेते हैं और इनकी तरफ आने लगते हैं। तब ये देख तीनों जान बचाने के लिए एक आउट हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं छुप सकते थे। इसीलिए बर्ड उनको ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर फ्लेमेबल लिक्विड है। लेकिन अब इस समय बर्ड के पास उसकी गन नहीं होती। तभी जैक को पोटैटो गन बनाने का आइडिया आता है और फिर बर्ड को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद तीनों इसके लिए जरूरी सामान लेने बाहर चले जाते हैं। अब जोडी पाइप लेने एक जगह आती है, लेकिन वहाँ पर एक क्रिएचर उसे देख लेता है। इसके बाद जोडी तुरंत वहाँ से भागती है और एक ट्रक में छुपने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका दरवाजा बंद नहीं हो पाता और क्रिएचर वहाँ आ जाता है। ये देख जोडी उसकी और गैसोलीन वाली कंटेनर फेंक देती है और दूसरी तरफ से बाहर आकर उसे अंदर बंद कर देती है। अब इस बात से क्रिएचर गुस्से में अपने पीछे से आग छोड़ने लगता है और इस वजह से वहाँ ब्लास्ट होने से वो मारा जाता है। अब तीनों अपने काम के लिए जरूरी सामान खोजने में लग जाते हैं और अंधेरा होने तक तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक क्रिएचर आने लगता है। इसके बाद तीनों वहाँ से भाग कर खुद को एक ट्रेलर के अंदर लॉक कर लेते हैं और फिर अपना पोटैटो गन तैयार करने में लग जाते हैं। इसके कुछ समय बाद इनकी पोटैटो गन तैयार हो जाती है। तभी इनको बाहर से क्रिएचर के उड़ने की आवाज आती है। फिर जैक तीर में आग लगाकर गन में डाल देता है और बर्ड क्रिएचर पर निशाना लगाता है। इसके बाद जोडी गन में जैसे ही ब्लास्ट करती है, तीर क्रिएचर को लगता है और वो ब्लास्ट होकर मारा जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ एक और क्रिएचर आ जाता है और ट्रेलर के ऊपर से अटैक करके बर्ड को नीचे गिरा देता है। ये देख जैक और जोडी पोटैटो गन को लेते हैं और ऊपर मौजूद क्रिएचर को ब्लास्ट करके मार डालते हैं। तभी वहाँ बचा लास्ट क्रिएचर इनकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद बर्ट उस पर निशाना लगाता है, लेकिन क्रिएचर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देख बर्ट समझ जाता है कि वो क्रिएचर स्मार्ट हो गया है। इसके बाद क्रिएचर उड़कर इनके ट्रेलर के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर जैक उसके मुंह को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और बर्ट एक जलती हुई रोड उसके पीछे घुसा देता है, जिसके ब्लास्ट होने से वो क्रिएचर भी आखिरकार मारा जाता है। अब इनको लगता है कि सब कुछ सही हो गया है। तभी ग्रेवॉइड नीचे से अटैक करना शुरू कर देता है और फिर बर्ड को अपनी घड़ी की अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के बारे में याद आ जाता है, जिसके साउंड से ग्रेवॉइड उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी इसी दौरान बर्ड स्प्रिंग में फंस जाता है। फिर बर्ड को बचाने के लिए जैक उसकी घड़ी लेकर एक कार पर चढ़ जाता है, जिसके बाद ग्रेवॉइड उसके पीछे चला जाता है और जोड़ी बर्ड को आजाद कराने लगती है। लेकिन तभी एक क्रिएचर खड़ा हो जाता है जो अभी भी जिंदा बच गया था। वो बर्ट और जोडी को देख लेता है और इनकी तरफ आने लगता है।
लेकिन तभी जैक को अपने पैर में एक टेप नजर आता है, फिर वो तुरंत उसे घड़ी में लपेट कर क्रिएचर पर चिपका देता है। इसके बाद ग्रे बॉयड घड़ी के साउंड से उस पर अटैक कर देता है और उसे निकल जाता है, और फिर इस तरह तीनों की जान बच जाती है। अगले दिन नैन्सी को एक क्लाइंट मिल जाता है और वो पकड़े हुए क्रिएचर को उसे बेच देती है। कुछ देर बाद जैक जोडी के पास आता है और उसे राइड के लिए पूछता है। पहले तो जोडी मना करती है लेकिन फिर उसके साथ चली जाती है। अब मिंडी भी जैक को चाहने लगी थी, इसीलिए दोनों को साथ देख उसे बुरा लगता है। वहीं हम बर्ट को एक जगह पर टो ट्रक चलाते हुए देखते हैं, जहां एलव लैंको उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। उसे देख ऐसा लगता है कि बर्ट और उस ग्रे बर्ड के बीच फ्रेंडशिप हो गई है। तभी मेलविन भी वहां आ जाता है और फिर से बर्ट को अपनी जमीन बेचने का ऑफर देता है, लेकिन बर्ट उसे मना कर देता है। तभी अचानक ग्रे बॉयड उसके सामने बाहर आ जाता है। इसे देख मेलविन डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बर्ट ने सभी ग्रे बॉयड को मार दिया होगा, जबकि बर्ट ने जानबूझकर एरब लैंको को जिंदा रखा है। इसके बाद बर्ट अपनी कार में बैठ जाता है और कहता है कि हम एलव लैंको के साथ कुछ प्रोटेक्शन लेकर रहेंगे, लेकिन हमें तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए। इसके बाद बर्ट वहाँ से चला जाता है और मेलविन वहाँ फंसा उसे गालियाँ देने लगता है। इसके चारों तरफ एलव लैंको घूम रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।